नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अक्सर होता क्या है, जो सेहतमंद लोग होते हैं और जिनकी लंबाई जो नॉर्मल होते हैं अपने लोग 5-5.5 फुट तो उतनी ही होती है, उनकी अक्सर पॉकेट जो है वो पेट पे यहाँ पे जो पेट पे लग जाती है, नीचे लग जाती है। तो इसको कैसे ठीक करते हैं मैं आपको बता दूं, और इसको इसमें कौन कौन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और क्यों होता है ये गड़बड़, तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए होता क्या, जो अपने लोग नॉर्मल जो लोग होते हैं तो उसमें बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो आर्मोर जो कटा होता है उससे आधा इंच ऊपर पाकी लगा देते हैं और उनकी सही आ जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल होती हैं सटें, ठीक है। अब जो जिनकी सेहत ज़्यादा होती है लेकिन लंबाई जो है वो नहीं ज़्यादा होती, तो उसमें क्या होता है उनका जो हाला है ये चीज़, क्योंकि सेहत ज़्यादा है तो उनका जो आर्मोर भी ज़्यादा कटेगा, तो ये जो आर्मोर जो है वो ज़्यादा कटा होता है तो उसमें भी लोग क्या काम करते हैं कि क्योंकि उनकी सेहत ज़्यादा होती है इसलिए आर्मोर का ज़्यादा कटा होता है, तो इसलिए जो है उस आर्मोर के देख के ही वो आधा इंच आर्मोर से यहाँ से ऊपर बढ़ा के और पॉकेट लगा देते हैं, तो पॉकेट जो है उनकी इसीलिए नीचे हो जाती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लंबाई जो है उनकी वो अपने लोगों के बराबर ही है 5-5.5 फुट, इसलिए जो है उनकी लंबाई के हिसाब से आपको चलना है, ना कि आर्मोर देख के। जब आर्मोर देख के जब लगाते हैं तब होती है गड़बड़। अच्छा आपको पता कैसे चलेगा कि ये किसी लंबे इंसान की शर्ट है या छोटे इंसान की शर्ट है? देखिए लंबाई जिनकी ज़्यादा होती है उनमें आप लगा दें इस तरीके से तो आपकी नहीं गड़बड़ होगी, लेकिन जिनकी लंबाई कम होती है और सेहत ज़्यादा होती है उसमें अगर हम इस तरीके से लगाएंगे तो आपकी ज़रूर गड़बड़ हो जाएगी, पेट पर पाकि लगेगी। तो अच्छा इसको आप देख कैसे सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा आप बना रहे हैं शर्ट? क्योंकि अक्सर होता क्या मास्टर लोग जो हैं काट के दे देते हैं या अपने आप भी काटो तो नहीं ध्यान रहता है, तो उसमें जो है आप कैसे पता लगे कि मैं आप एक को एक चीज़ बता दूं कि जो आस्तीन की लंबाई होती है, क्योंकि जो छोटा कद के होंगे और इनकी सेहत ज़्यादा होगी शर्ट तो चौड़ाई तो ज़्यादा होगी लेकिन लंबाई नहीं होगी, तो आस्तीन की जो लंबाई है वो भी कम होगी और शर्ट की लंबाई है वो भी कम होगी, तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जो है ये शर्ट जो है चौड़ाई में है ज़्यादा लेकिन लंबाई में नहीं ज़्यादा है, तो इसलिए आपको नॉर्मल ही नाप रखनी है। अब नॉर्मल नाप की नॉर्मल शर्ट होती हैं जैसे कि मान लीजिए 14.5 है, 14.5 कॉलर है तो उसमें जो है आप तो 8 इंच तैयार, कंधी जोड़ने के बाद जो है आप 8 इंच पे लगा दें 14.5 में, बिल्कुल आपकी सही आएगी। और 15 कॉलर है तो आप कंधी जोड़ने के बाद 8.25 पे आप लगा दें, बिल्कुल सही आएगी। तो आप जो है इसी तरीके से आपको 8-8.25 इंच ही लगाना है पॉकेट, अगर आप उस मुड्डे के हिसाब से देख के लगाएंगे तो आपकी पॉकेट जो है पेट पे आ जाएगी, क्योंकि उनकी लंबाई जो है जिन्होंने लंबाई है उनकी ज़्यादा नहीं होगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें तो आपकी कभी पॉकेट जो है वो पेट पे नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपको लाता रहता हूँ और मशीन की भी सारी वीडियो मैं आपको लाता रहता हूँ। फिर मिलेगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।